बहुत ज़्यादा काला हो गया ना भैया। हाँ काला हो गया सर पूरा। तो यानी मैंने लेट कर दी सर्विस में। हाँ थोड़ी लेट हो गई, थोड़ी लेट हो गई ना। हाँ ये ऑयल फिल्टर है। हाँ। तो कौन सी कंपनी का ऑयल फिल्टर ठीक रहते हैं? ये टोयोटा का, जो हम लाएंगे सही रहता है। अच्छा ये रहा पुराना वाला ऑयल फिल्टर। ये भी इसकी हालत तो बड़ी ही खराब हो गई है। गर्म भी हो रहा है अभी, गाड़ी जब इंजन चलता है तो गर्म हो जाता है। हाँ ये भी सही रहते हैं ना, सबसे अच्छे इंजन वाला। हाँ सबसे बढ़िया इंजन ऑयल ले लिया। और जो दूसरा आता है 40 वाला, 5W40 वाला, 5W40। हाँ वो भी सही होता है। हाँ 0W40 है, ये भी सही है, वो भी अच्छा होता है, दोनों बढ़िया। ठीक है, कौन कौन सी कार के लिए ठीक रहेगा वैसे ही? छोटी गाड़ी आपकी वैगनार है, i10 हो गई, डिजायर है, ज़्यादातर गाड़ी में यही डलता है। अच्छा कोई सी भी गाड़ी में डाल सकते हो। इसके बाद जो सर्विस है वो 10,000 किलोमीटर के बाद है ना? हाँ। और टाइम पीरियड भी होता होगा कुछ, अगर मान लो किसी की ज़्यादा नहीं चलती हुई है ना गाड़ी? 6 महीने तो मैक्सिमम, मतलब आप 6 महीने मान के चलो करीब। अरे जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, 10,000 किलोमीटर या 6 महीने है ना। हाँ जी। मैंने टोटल दिया था 1820 रुपये है ना भैया? 1820। हाँ तो ये इसमें 100 रुपये का कूपन भी निकला था। 1920 का था ना ये? 1920 का MRP है ना इसमें? हाँ नहीं, सारा सामान 1920 का था आपका, 1820 का 100 रुपये कूपन का कूपन निकल गया था। हाँ जी हाँ जी, कूपन में 1920, यानी सही कह रहे हो आप। तो जो ऑयल फिल्टर है, एयर फिल्टर कितने तक का आता होगा ये? तकरीबन 80-90 रुपये का। और फिल्टर होगा? हाँ जी हाँ जी, 200 रुपये करीब ये होगा। एयर फिल्टर है ना? हाँ। तो 200 रुपये करीब एयर फिल्टर और 90 रुपये का ऑयल फिल्टर और एक आपका इंजन ऑयल। हाँ जी। तो जो गाड़ी का जो मतलब सबसे मतलब सर्विस के लिए जो है, तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना? तीन चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, प्लग वगैरह होते हैं वो चेक करने पड़ते हैं कि खराब है सही है ना, स्पार्क प्लग होता है। मेन ये है कि इंजन ऑयल आप अच्छा डलवा लो तो फ्री हो गए ना। कार ये मिट्टी वगैरह सारी जमी पड़ी है, इससे कोई प्रॉब्लम है? मिट्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पानी से प्रॉब्लम होती है। अच्छा यहाँ पानी नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी ना? जैसे सारी चीजें लगी है ना, ये चीजें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सीनरी की किट लगी है, इन सब में प्रॉब्लम है ना? हाँ इससे प्रॉब्लम होती है। इसको ज्यादा करो तो ब्रश से या मिट्टी विट्टी से रहती, ब्रश वगैरह या कपड़े से साफ कर दो थोड़े बहुत, हवा लगवा देनी चाहिए। अच्छा हवा, हवा अच्छा बाहर लग जाती है बाहर? वो तो जो वॉशिंग वगैरह करते होंगे उन्हीं के पास होती होगी ना? उन्हीं के पास होती है, उनसे हवा वगैरह। सही कह रहे हो जी, वॉशिंग के लिए भी लेके जाओगे ना? हाँ जी हाँ जी, उनसे बोल दो कि भाई ज़्यादा पानी मत मारना, पानी मारोगे कहीं रह गया बाई चांस। हाँ कटी होगी कहीं से वायर कुछ है ना, इससे ज़्यादा नुकसान होता है। आप पानी अगर लगवाओगे ना इंजन में, अगर यहाँ पे मान लो ये गड्ढा है, हाँ जी यहाँ पे पानी वानी भरा रह जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम होती है। ये है कि अगर आप वॉशिंग मशीन करा रहे हो तो ऐसी जगह कराओ जहाँ प्रेशर भी हो और हवा का प्रेशर ज्यादा। हाँ हवा का प्रेशर भी हो, पानी अगर आप इंजन में मरवा दो तो ढंग से हवा लगवा दो, कहीं पर पानी ना बचे। हाँ जहाँ पानी रहेगा वहीं दिक्कत करेगी। जो नॉर्मल सर्विस होती है उसमें होता है भी है वैसे चेक है सब? सर्विस का मतलब तो सर्विस ही होता है सर। हाँ खैर ये भी आप बात सही कर रहे हैं, अगर सर्विस गाड़ी की हो रही है तो सब चीज़ होना चाहिए, नहीं तो खाली ऑयल फिल्टर चेंज कराओ होगी सर्विस। हाँ सर्विस का मतलब ये है कि एक बार चेक कर लो। एक बार ये प्लग है, एयर फिल्टर है, ये सब चीज़ें ब्रेक वगैरह हैं, सर्विस में होती हैं। बीच में तो ना आपको अपने आप तो होगा नहीं कि हाँ मैं ब्रेक चेक करा लेता हूँ, ये सब चीज़ें सर्विस।
इसमें क्या होता है भी? इसमें भी कूलेंट होता है। कूलेंट होता है इसमें भी इंजन के लिए? हाँ जी। और वो वाला जो कूलेंट आपने दिखाया था, ये वाला कूलेंट ये किसके लिए? ये रेडिएटर है। रेडिएटर के लिए। इसकी रिजर्व बोतल है, इसमें से एक पाइप ये आ रहा है। ये ओके ये आ रहा है, ये बोतल तो सेम कूलेंट जाता है इसी में और इसमें सेम कूलेंट। सेम गाड़ी आपकी चलती है ना? हाँ जी हाँ जी। बोतल में से रेडिएटर में घूमता रहता है पानी। अच्छा अभी ठीक है। ठीक है भैया, सारे ठीक है भैया। आप सफाई कर देते थोड़ी? ऐसा तो बहुत कम होता होगा कि चारों की चारों खराब हो जाए स्पार्क प्लग? होता खराब तो नहीं होते चारों एक साथ, लेकिन बदलने चारों एक साथ ही पड़ते हैं। वैसे लाइफ कितनी होती है इनकी? कोई मतलब 20,000 किलोमीटर है इन केस भी। अगर एक खराब हो जाए कभी तो उस कंडीशन में चल तो जाती होगी गाड़ी? चलती है। एक खराब हो, एक खराब होता है तो चलती तो है गाड़ी आपकी, लेकिन आपको मिसिंग मिसिंग होती होगी थोड़ी वगैरह करती है गाड़ी। ये पुराना वाला एयर फिल्टर रहेगा ना? ये नया एयर फिल्टर उसी कंपनी का है ना भैया? उसी कंपनी का है। हाँ सही है। ये फिट हो गया एयर फिल्टर। अच्छा गर्म पानी की? हाँ, जो ये एसिड हो गया इसके लिए ना? हाँ जी हाँ जी। मैं अभी गर्म पानी की लेके आता हूँ। सर्विस के साथ साथ मैं आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कई बार क्या होता है इस पर ना एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है इधर, जो बैटरी होती है, जो कंपनी फिटेड बैटरी आती है तो काफ़ी टाइम तक चलती है और सही चलती है, लेकिन जो आप बाहर से लगवाते हैं ना, मैंने एमरॉन की लगवाई थी और लगभग इसे 3 साल हो चुके हैं, तो अब इसमें ना एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो कई बार क्या होता है गाड़ी बंद होने के चांसेज होते हैं, है ना भैया? गाड़ी बंद हो जाती है ना कई बार? जी जी कई बार। आप स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा सेल्फ नहीं ले रही। हाँ जी हाँ जी। इसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है इसको, मतलब पावर सप्लाई नहीं मिल पाती है ना भैया? हाँ सर। तो इस वजह से बंद हो जाता है, तो इसे टाइमली आप देखेंगे कि वाइट कलर का जो एसिड इसके चारों तरफ हो जाता है ना, आप उसको गर्म पानी डाल के उसको हटा लेना। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन मैं और देता हूँ, यहाँ से जब पानी आप रिफिल करते हैं और साथ ही साथ कई बार क्या होता है जो वाइपर होते हैं इनसे पानी आना बंद हो जाता है, तो पानी आना बंद हो जाता है उसका एक रीज़न ये हो सकता है, जो साइड में ना इसी के साइड में यहाँ से अंदर की साइड यहाँ पे एक मोटर होती है, तो हो सकता है मोटर ख़राब हो जाती है। कई बार ये होता है मोटर में ही कचरा आ जाता है ना भैया? मोटर में कचरा आ सकता है ना? क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ था, मैंने उसको चेक करवाया ना तो मोटर में कचरा था। जैसे लोकल पानी डालते थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये पानी डालना चाहिए जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी के लिए जो हम अपना यूज करते हैं, आरओ पानी ही डालना चाहिए ना इसमें वाइपर के लिए भी। पानी डाल देंगे, जमीन का पानी डालोगे तो जल्दी खराब हो जाता है। हाँ और उसमें एक शैम्पू भी डलता है। हाँ शैम्पू, खैर मैं शैम्पू तो नहीं डालता भी है, लेकिन वगैरह होता है ना वो डालोगे तो उससे भी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छा ये क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए वैसे? ब्रेक हो गया? ब्रेक हो गए ठीक है। एक प्लेट होती है, इसकी कंडीशन देख लो, कोई चीज़ है शोकर, ये सब चीज़ें पहिया खोलने के बाद में सारी चीज़ें ठीक जाती हैं। अच्छा तो भी आपको कंडीशन वैसे ठीक दिख रही है? ठीक है एकदम सही है। ब्रेक शू वगैरह? ब्रेक ठीक है, चेक कर लिए। हाँ जी हाँ जी। ब्रेक शू वगैरह ठीक है, अभी बहुत चलेंगे, ये चल जाएंगे ना ब्रेक शू? हाँ अभी कम से कम आपकी दो सर्विस चलेंगे। दो सर्विस चल जाएंगे। ये स्क्रबिंग करके हो जाता है ठीक भैया? हाँ ये इस पर रेगमाल से थोड़ा सफाई हो जाती है ना, मतलब साफ हो जाती है, थोड़ा पकड़ अच्छी हो जाती है। ब्रेक शू वगैरह कितने का आते हैं? 650-700। हाँ जेन्युइन ओरिजिनल लोगे तो कम से कम 1100-1200 रुपये। अच्छा 1100-1200 के आते हैं जेन्युइन? हाँ। तो ये वाले ब्रेक शू जो मैंने लगाए हुए हैं ये क्या ऐसे ही हैं? ये सस्ते वाले हैं। ये भी? और इनकी लाइफ कितनी होती है? ये
ज्यादातर तो वैसे ब्रेक के इस्तेमाल के ऊपर ही होता है, जैसे जितना ज्यादा ब्रेक इस्तेमाल करोगे उतनी जल्दी घिसेगा, कम इस्तेमाल करोगे कम घिसेगा, लेकिन फिर भी कम से कम 25-30 हज़ार किलोमीटर तक चल जाते हैं। नॉर्मली सर्विस में बहुत कम बंदे खोल के सही करते होंगे ना भैया? नहीं खोलते, नहीं खोलते ना तो मुझे नहीं लगता काफी टाइम से खुली है, मैंने खोली है बहुत टाइम है ना। पीछे वाला तो मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा क्योंकि आगे वाले तो शायद कहीं मैंने चेंज करवाए थे। हाँ। खोल के चेंज कर ही दे रहा, आदमी खराब हो जाते हैं ज्यादा। हाँ क्योंकि पीछे के हर कोई खोल के साफ नहीं करता है, तो टाइम लगता है इसमें मेहनत है और हर बंदे के पास इतना टाइम होता नहीं है। यही फायदा होता है काम कराने का भैया, घर पे काम कराने से ज्यादा ना बंदे बंदा कैसा है जो काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। कई बंदा होता है जो ईमानदारी से काम करता है बंदा, अगर आप नहीं करते तो मुझे भी नहीं पता चलता। अभी कैसी कंडीशन है ब्रेक की? सही है फिलहाल, ठीक है एकदम। अच्छा पीछे के जो कम यूज होते हैं वो ब्रेक ऐसा है क्या? आगे के मुकाबले पीछे के कम घिसते हैं, आगे के ज्यादा घिसते हैं। आगे आपके 5 बार चेंज होंगे तो पीछे का 1 बार चेंज होगा ये। और ये जो ब्रेक शो आते हैं सेट के हिसाब से आते हैं, आगे के दोनों होंगे ऐसा? हाँ कंप्लीट आते हैं या चार चारों के आते हैं? कैसे आते हैं? आगे का सेट आता है और पीछे का अलग सेट आता है। अगर आगे का एक उधर का खराब है तो दोनों ही चेंज होंगे, तो फिर पूरा कंप्लीट सेट चेंज होगा दोनों साइड का। हाँ मारुति कंपनी में काम कर रहा था मैंने कोई 5-6 साल। 5-6 साल? अच्छा तो यानी आपको तो पूरा एक्सपीरियंस है इधर उधर का ही। मुझे पता है कैसे काम होता है कंपनी में, लोग सोचते हैं पता नहीं अंदर जाके कौन सी मशीन काम कर रही है कुछ और नहीं। जैसे हमने ये काम मैंने देखा कि आपने इतना सब खोल के करा। हाँ। अंदर तो मुझे पता भी नहीं चलता कि क्या खोल, बस ये कि वो रहता कि हाँ नहीं भाई कंपनी पैसे जा रहे हैं, बस ये होता है कि इंसान के दिल में तसल्ली होती है। हाँ ज्यादा पैसे दे के तो उससे ज्यादा काम मैंने यहाँ कर दिया है आपका। हाँ काम नहीं करते आपकी गाड़ी अंदर जाती है, ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं, एयर फिल्टर चेंज करते हैं, ये साफ उड़ाते हैं एयर, आपकी वॉशिंग होकर बाहर जाती। हाँ और आपके हाथ में 10,000 का बिल आता आपको। हाँ मेरी गाड़ी का बहुत काम आपको भी लेता इसमें। हाँ तो आपके हिसाब से मतलब यहीं पे बाहर सही हो जाती है सर्विस अगर बंदा अच्छा हो तो, मैकेनिक अच्छा हो तो? हाँ सामान आप अच्छा डाल दो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वही काम होता है जो कंपनी में हो रहा है वही बाहर होगा। अच्छा और दूसरा मैकेनिक अच्छा होना चाहिए जिस पर आप ट्रस्ट कर सको, है ना? मतलब समझदार सा हो, उसे पता तो होगा मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ ये भी ठीक है। तो गाड़ी की सर्विस ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, कुछ रह रहा भी है बस हो गया सर, लगभग सब पूरा हो गया। भी हमारा ठीक है, इंजन ऑयल हमने डाल दिया, ब्रेक ऑयल हमारा ठीक है। तो बस एक बार आप जल्दी जल्दी ये बता दो कि क्या क्या चीज़ें हमें चेंज करानी चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो नॉर्मल सर्विस में। आप गाड़ी जब आपकी गाड़ी खड़ी है और आपने कहीं जाना है तो आप एक बार ये चेक कर लो कि आपका इंजन ऑयल पूरा है ऐसे करके। अच्छा ठीक है ना, ये इंजन ऑयल आपका यहाँ तक होना चाहिए। हाँ जी। और दूसरी चीज़ आप ये कूलेंट चेक कर लो यहाँ से कैप खोल के, ये पूरा होना चाहिए। हाँ जी। अगर ये कम है आपको दिख रहा है कम है तो आप इसके अंदर पानी डाल के पूरा कर लो। अच्छा पानी डाल, अगर आपको ऐसा लग रहा है मैंने 2-3 लीटर डाल दिया है तो फिर कोई प्रॉब्लम है। अच्छा कूलेंट 2-3 लीटर डाल दिया? हाँ नहीं मान लो आपने चेक करा। हाँ जी। आपको लगा कि कम है डाल लेता हूँ, आपका 1-1.5 लीटर पानी चला गया अंदर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम है। जब इतना कम होगा, जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक ये कम नहीं होगा। अच्छा ठीक है ना, या जल्दी जल्दी उड़ जा रहा है मतलब। हाँ जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा है कोई दिक्कत, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान दोगे तो आपके इंजन में कभी खराबी नहीं आएगी। खुद की जो होती है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ और क्या क्या चीज़ें देखना? रख रखाव ज़्यादा वो होता है, एक आपका एयर फिल्टर हो गया सर, ठीक है। हाँ जी। प्लग हमने साफ कर ही दिए। एक ये ब्रेक ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल होता है, ये ब्रेक का तेल है ये। हाँ जी हाँ जी। हमेशा आप ऐसे खोल के देखोगे तो आपको ऊपर नजर आएगा। तो अभी मतलब इसकी कंडीशन ठीक है ब्रेक ऑयल की? हाँ ब्रेक ऑयल ठीक है आपका, सही है सही है। हाँ जी।
और इसकी जो है जो लेवल होता है वो भी यहाँ तक होता है। अच्छा, लेवल भी ठीक है, आपको लग रहा है कार लेवल कम जा रहा है, जब भी प्रॉब्लम है कहीं से लीक होगा जब भी कम होगा। अच्छा, नहीं तो कम नहीं होगा। ठीक है सर, बाकी बैटरी में आपका ये हो गया है, पानी चेक होता है बैटरी के अंदर, वो हमने चेक कर लिया। पानी चेक होता है बैटरी के अंदर। अच्छा, पानी कहाँ से चेक करो अभी हम? पानी है। अच्छा, आप दिखा रहे हो? अगर नहीं भी दिखाते तो भी मैं मान गया था आपने जो बोला, लेकिन फिर भी आप मतलब जो देख रहे हैं ना, मैंने देख वीडियो, उसके लिए बना रहा हूँ मैं बस। ये पानी इसके अंदर, ये देखो आप चेक कर लो। हाँ, बिल्कुल सही लेवल है। ठीक है भैया, बाकी ये रस्ट आ रहा था, ये साफ कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, बाकी लाइटें वाइटें हमने सब चेक कर ली थी, लाइटें चेक कर ली थी। हाँ जी, क्लच में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो हम कर देते हैं। अच्छा, क्लच में भी थोड़ी सी आपको लग रही है? थोड़ी पिले ज़्यादा है ना, थोड़ी सी पिले कम कर देते हैं। ओके, रिपोर्ट है ये भी। हाँ, का पानी भी आपका आ रहा है, वाइपर भी, वाइपर भी। हाँ, वाइपर में तो मैंने कल ही पानी डाला वैसे। हाँ, ये चीज़ें होती हैं सर सर्विस में, और ब्रेक शू वगैरह सब।